नमस्ते दर्शकों, मैं हूं नैना तलवार और आप देख रहे हो वन एंड ओनली डॉट टीवी न्यूज। और आज हम आपके लिए लेके आए एक सनसनी खबर जो कि है बालास की तरफ से, जो ग्रू स्ट्रीट पर रहते हैं और पर्पल कलर को रिप्रेजेंट करते हैं और खुद को बालास बताते हैं। तो आइए देखते हैं इनका क्या मैसेज है पीढ़ी वालों के लिए। ओके, तो मेरा नाम है मैट मडॉक एंड हम बालास ग्रुप से एक सिटी में पुलिस डिपार्टमेंट के खिलाफ थोड़ी चीज़ें उठ रही है, तो जो ये पीढ़ी है मतलब हमें बहुत ज़्यादा टारगेट कर रही है। मेनली कभी भी हम कहीं भी जाते हैं कुछ भी बोलते हैं हमारे खिलाफ, बैंगन है, ये है, वो है, और हमारी जगह की एक रिस्पेक्ट है जो हमने जो वो लाइन है उस लाइन के क्रॉस नहीं करना, ये हमने मेनली एक प्यार से उन बंदों को बोला है पीढ़ी को कि न मत करो ये चीज़। वो इस चीज़ को ईगो पे लेके चीज़ें करते हैं कि हम करेंगे ये चीज़ें। और दूसरी चीज़, पीढ़ी हमारे बंदों को बहुत टारगेट करती है पकड़ के। उन्होंने हमारे चार बंदों को टॉर्चर करा है। क्यों? क्योंकि हम ये पर्पल रैप करते हैं, शायद से इसीलिए। मतलब ये पीढ़ी की तरफ से क्या चीज़ चल रही है हम ये जानना चाहते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि पीढ़ी की तरफ से बहुत ज़्यादा हो रहा है, हो सकता है किसी और ग्रुप के साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हो। हम पीढ़ी को बस एक ही बोल रहे हैं कि अगली बार आप कभी भी साउथ साइड हो, स्पेशली ग्रू स्ट्रीट, कभी भी लाइन क्रॉस मत करना। इट्स अ ओपन वार्निंग, अगर उनने लाइन क्रॉस करी ग्रूव की, वो उधर के उधर शॉट डाउन हो जाएंगे एट एनी फकिंग कॉस्ट। यस, एंड दिस इज अ लास्ट वार्निंग फॉर यू गाइस, नेवर क्रॉस ग्रू स्ट्रीट लाइन, दैट्स इट। इसके रीजन भी है, रीजन मैं बता देता हूँ। एलेक्स, कुछ बोल जो तेरे साथ चीजें हुई है। यस, बोल। मेरे को पीडी ने एक जगह पे जाके बहुत टॉर्चर किया और जो मैं पर्पल जो डाल के जाता हूँ, मेरे कपड़े वगैरह सब फाड़ दिए थे मेरे को। फिर जले हुए जगह पे जाके वहाँ पे बिठाया गया था और पैरों पे बहुत सारी गोली भी मारी थी। बाकी का रैम्बो को बता, रैम्बो तू बोल दे। तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया गया था, लाइक हमारे मुंह में गन घुसेर दी जा रही थी एंड पैरों में गोलियां मार दी जा रही थी और जो कोयले होते हैं, जले हुए कोयले, उस पर हमें नंगे पैर घुमाया जा रहा था जिससे हमारे पूरे पैर जल गए। और हमारे एक बंदे ने फेस पेंट लगाया था पर्पल का, ये एलेक्स, उसका फेस पेंट एसिड से उन्होंने मिटाया जो कि बहुत दर्दनाक था हमारे लिए। और हमारे बंदों को हमारे बगल के मतलब कान के बगल से गोलियां गुजारी है जिससे हमारे बंदे को बहुत वो डिप्रेस टाइप हो गया है एंड मेंटली बहुत डिस्टर्ब हुए हैं हमारे बंदे। तो पीडी वालों के कारण पीडी को यही कहना है कि अगली बार कभी भी साउथ साइड आ रहे हो, मेंटेन योर लाइन, नेवर क्रॉस इट, अदरवाइज यू आर गोइंग टू डेड। कोई भी पीडी बचेगी नहीं अगर उन्होंने वापस ये हरकत की, और कभी ग्रुप पे मत आना, दैट्स इट। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, क्या इन लोगों के साथ पीढ़ी का ऐसा बुरा बर्ताव करना सही है? क्या किसी भी इंसान के साथ ऐसा पुलिस व्यवहार करना आपको सही लगता है? क्या पीढ़ी सच में बालास को टारगेट कर रही है? बालास ने ओपन धमकी दी है पीढ़ी वालों को, तो अब देखना ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्या स्टेटमेंट आता है। मैं नैना तलवार, कैमरामैन सैंडी राणा के साथ आपको मिलती हूँ फिर से ऐसी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए वन एंड ओनली डॉट टीवी न्यूज।